78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। दरभंगा में प्रमंडलीय मुख्यालय नेहरू स्टेडियम में झंडोत्तोलन हुआ। झंडोत्तोलन किया जिला के प्रभारी मंत्री मंगल पांडे ने। उन्होंने इस दौरान जो सरकार और प्रशासन द्वारा किया गया कार्य है उसका वर्णन किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार मौजूदा समय में सबसे निचले तबके के लोगों को ऊपर लाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है और उसमें सफलता भी मिल रही है। जिले के प्रभारी मंत्री हैं मंगल पांडे, राज्य के स्वास्थ्य और कृषि मंत्री के भी प्रभार हैं। वे एक दिन पहले ही दरभंगा आ गए थे। उन्होंने परेड की सलामी भी ली और सुनिए उन्होंने अपने संबोधन में जो प्रमंडल के लोगों को संबोधित था क्या कहा। अटल स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी लोगों से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।
प्राचीन काल में मिथिला की राजधानी और बिहार की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध गौरव साहब दरभंगा के इस नेहरू स्टेडियम में आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर यहां उपस्थित सभी सम्मानित भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और फिर से एक बार आप सभी लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मां भारती की स्वाधीनता के महायज्ञ में स्वयं की आहुति देने वाले सभी हुतात्माओं को कोटि कोटि नमन करता हूं। इस पावन अवसर पर हम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सभी स्वतंत्रता सेनानी एवं उन सभी वीर सपूतों का सत सत नमन करते हैं जिनकी कुर्बानी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम में मिथिला वासियों विशेषकर दरभंगा का योगदान भी उल्लेखनीय रहा है। मिथिलांचल के लोगों ने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और 1942 के अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के बेड़ निवासी किसान नारायण वल्लभ चौधरी और उनकी बेटी गृहिणी मधु कुंवरी देवी के बेटे गिरधारी चौधरी और चारों बापू 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक हुए नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा में शामिल होने वाले 78 आश्रम वासियों से एकमात्र बिहारी थे। आज इस अवसर पर हम उन वीर सपूतों को नमन करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर सभी पूर्वजों को कोटि कोटि नमन जिसके बलिदान ने हमको आजाद भारत में सांस लेने का अवसर प्रदान किया। हम भी अपने आने वाली पीढ़ियों को स्वाभिमानी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और संकल्पयुक्त भारत छोड़कर जाएं, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य और हमारे पूर्वजों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारा ये पुनित कर्तव्य एवं दायित्व है कि हम सभी मिलकर अपनी गौरवशाली परंपराओं के प्रति निष्ठा एवं सहयोग से इस देश की जनतांत्रिक प्रणाली को और ठोस एवं मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए अपने तन मन धन से सहयोग एवं सहभागिता का दृढ़ संकल्प लें। देश के प्रति समर्पण की भावना ही हमारा राष्ट्रधर्म है। हम सभी को एकजुट होकर देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता एवं शांति कायम रखते हुए देश के चतुर्दिक विकास के प्रति अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करना होगा। देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य के विकास को तेज गति प्रदान करने का कार्य कर रही है। विशेषकर बिहार राज्य को भारत ही नहीं विश्व मानचित्र में एक अलग पहचान देने का प्रयास वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास का नजरिया रखते हुए सभी लोगों, क्षेत्रों और वर्गों को साथ लेकर चलने का संकल्प के साथ कार्य कर रही है। राज्य में भ्रष्टाचार एवं अपराध मुक्त शासन कायम करने का कार्य किया जा रहा है। बिहार की युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाने एवं शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाने के लिए कार्य योजना लागू की जा रही है। बड़े पैमाने पर राज्य के युवाओं के लिए नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। महिला सशक्तिकरण के मुहिम को आगे बढ़ाते हुए राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। बिजली के क्षेत्र में सभी गांवों का विद्युतीकरण, सभी घरों तक बिजली का कनेक्शन सुनिश्चित कराया गया है। साथ ही बिजली की उपलब्धता से राज्य में हर घर तक बिजली की निरंतर आपूर्ति के सपने को साकार किया गया है। खेतों की सिंचाई के लिए एग्रीकल्चर फीडर के माध्यम से 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से न्यूनतम 12 घंटे बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। राज्य के सरकारी अस्पतालों की स्थिति काफी बेहतर हुई है। बिहार के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल मिले इसके लिए सभी घरों में पाइप जल की सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। राज्य के सभी संपर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है एवं सभी गांवों एवं शहरों में गली नली का निर्माण कराया जा रहा है। आप कैंसर मरीजों को इलाज किया जा रहा है।
लेकिन नया भारत जो बदल रहा है, भारत की सरकार और बिहार की सरकार के सहयोग से लगभग 400 करोड़ रुपए का अस्पताल अभी वहां बन रहा है, जिसका शुभारंभ अगले वर्ष 2025 के मार्च में कर दिया जाएगा। तो जो बिहार के मरीजों के लिए सुविधा का एक बड़ा केंद्र होगा। राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर 797 स्वास्थ्य उपकेंद्र, 194 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 128 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माणाधीन है। राज्य में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत अस्पतालों का संचालन भव्य पोर्टल के माध्यम से चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग में एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर कार्यरत है, जहां से सभी जिला अस्पतालों के कार्य संचालन की निगरानी रखी जाती है। अब कंट्रोल सेंटर का जिला स्तरीय संस्करण भी जिला अस्पतालों में स्थापित किया जा रहा है। दीदी की रसोई कार्यक्रम अंतर्गत जीविका के माध्यम से अंतर्वासी मरीजों को पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण आहार की सुविधा राज्य के सभी जिला अस्पतालों एवं अनुमंडलीय अस्पतालों में उपलब्ध कराई जा रही है। चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में भी इसकी शुरुआत की गई है। अब जिला अस्पतालों में साफ सफाई, वस्त्र धुलाई और वस्त्र निर्माण का कार्य जीविका दीदी के द्वारा किया जा रहा है। एक ही मंच व स्रोत से सभी प्रकार के स्वास्थ्य सूचनाओं को एकत्रित करने और नागरिकों की चिकित्सा आवश्यकताओं को सहज व ससमय पूर्ण करने की चुनौती का सामना करते हुए डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में एक राज्य लेख प्रणाली की शुरुआत करते हुए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से सूचनाओं को एकत्रित और विश्लेषित किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत कर इस योजना अंतर्गत बिहार स्टेट हेल्थ सिस्टम डिजिटलाइजेशन हेतु भव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है, जिसके तहत मरीजों को ऑनलाइन पंजीकरण, दवा वितरण, जांच, टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी अंतर्गत सेवा, मरीजों का आहार, ब्लड बैंक, लेने लॉन्ड्री इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। इस अवसर पर हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को दरभंगा जिले में 100% सरकारी में उतारा जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान करने की प्रयास हो रही है। 100% पूर्ण टीकाकरण के साथ ही कुपोषित बच्चों की संख्या पूर्ण करने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्षेत्र में जिले को प्रशंसनीय उपलब्धि प्राप्त हुई। ओपीडी और आईपीडी लगातार मरीजों की सुविधा में वृद्धि की जा रही है। जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत द्वितीय वस्त्री 24,58,000 से अधिक गर्भवती माताओं का संस्थागत प्रसव कराया गया। वहीं इस वर्ष तक 13,000 से अधिक माताओं का संस्थागत प्रसव कराया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत पिछले वर्ष 22,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं का मुफ्त सेहत जांच किया गया था, जबकि इस वर्ष 15,800 से अधिक गर्भवती महिलाओं का मुफ्त सेहत जांच किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कुल 11,86,215 सदस्यों को गोल्डन कार्ड निर्गत किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दरभंगा जिले के विभिन्न अस्पतालों में अभी तक 66,000 से अधिक मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया है और पूरे राज्य में लगभग 85% परिवारों का इस आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 85% परिवारों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत पिछले 3 वर्षों में 36 बच्चों को जिनके हृदय में छेद था, जिन्हें निःशुल्क सफल इलाज कराया गया। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले वर्ष 1,03,872 बच्चों एवं 1,07,000 गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया गया है। इस वर्ष लगभग 34,000 से अधिक बच्चों और 37,000 से अधिक गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया गया है। जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर एवं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खाजा सराय को कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुरस्कृत किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से कृषकों की आय में वृद्धि हुई है। इस योजना के तहत 1,89,043 किसानों को 17वीं किस्त प्रदान की गई है। कृषकों को पटवन हेतु डीजल अनुदान दिया जा रहा है। कृषि अंतरीकरण योजना के तहत मौसम के अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 75% के कृषि यंत्रों का क्रय के लिए 30-80% अनुदान दिया जा रहा है। दरभंगा जिले में केला की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रति हेक्टेयर 62,500 रूपये अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। दरभंगा जिला मखाना की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मखाना की खेती विस्तार के लिए प्रति हेक्टेयर
72,750 रूपये अनुदान दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा मजदूरों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान को बढ़ाकर 99% का अनुदान दिया जा रहा है। दरभंगा प्रमंडल के सभी जिलों में कुशलती वृद्धि जांच प्रयोग कर रहा है। इसके माध्यम से दरभंगा के जिले में 16,800 और किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। किसानों को वार्षिक मात्रा एवं निर्धारित दर पर रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा जिले में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से कुल 10,062 अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। उन्हें बिहार कार्यक्रम के तहत 347 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालित किया जा रहा है। दरभंगा जिले में 25 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है, जिसके तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक लगभग 2,500 भूमिकाओं को आच्छादित किया जा रहा है। दरभंगा जिला के शिक्षा विभाग और 55,000 से अधिक ग्रेजुएट की आपूर्ति विद्यालयों में की गई। जिला प्रबंधन सह परामर्श के दरभंगा गौरव विभाग से प्रारंभ की उत्तीर्ण छात्र और छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के विभाग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4,00,000 रूपये तक का शिक्षा देय उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत करीब 8,000 आवेदकों को 1,72,83,85,000 रूपये में शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 20 से 25 आयु वर्ग के 12वीं उत्तीर्ण रोजगार युवाओं और युवतियों को रोजगार के लिए 1,000 रूपये प्रतिमाह 2 वर्षों के लिए दी जाती है। इस योजना के तहत 11,32,000 आवेदकों को 16,62,21,000 रूपये में वितरित किए गए। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 15 से 23 वर्ग के छात्र और छात्राओं को 10वीं होने पर बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान हिंदी और अंग्रेजी भाषा का सम्मान कौशल के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केवल सत्य ही भोजन के जल काफी मात्रा में है। सब्जियों की पैदावार के दशक से आगे है। मधु मशरूम मखाना मिर्ची पैदा करने में भी सबसे आगे है। केला अमरूद गन्ना फूल आदि पैदा करने में बहुत आगे बढ़े। सभी राज्य में कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध नहीं रहने के कारण किसानों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। हमने कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार एवं प्रसंस्करण की सुविधा राज्य के अंदर उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से बहाल की है। बिहार के किसानों के विकास के लिए नेतृत्व कृषि योजना 2023-28 तैयार किया गया है, जिसमें कृषि के विकास के लिए 1,62,268 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। नए कृषि योजना के बिहार के किसानों आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जलवायु परिवर्तन के कारण खेती के किसानों के समक्ष आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए पूरे भारत में पहली बार बिहार के गया जिले में छोटे अनाजों के 115 करोड़ की लागत से संयंत्र और निर्माण की जरूरत की बात की गई है। सिंचाई की समस्या के समाधान में सुधार के लिए पानी की योजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। राज्य के किसानों को डेडिकेटेड एग्रीकल्चर फिगर के माध्यम से 70 से 80 यूनिट की दर से बिजली की आपूर्ति की जा रही है। आने वाले दिनों में राज्य के सभी किसानों को एग्रीकल्चर फीडर से सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य के छोटे छोटे गरीब पिछड़े और गरीब किसानों की खेती के सहयोग के लिए उनकी जरूरत की छोटे छोटे कृषि केंद्रों जैसे हसुआ खुरपी के उदाहरण को भी 80% अनुदान का प्रावधान किया गया है। कृषि आधुनिकरण योजना में लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता लाने तथा बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के उद्देश्य से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों के चयन का निर्णय लिया गया है। राज्य के अधिक पिछड़े किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कृषि केंद्रों पर अधिक पिछड़ी जाति के किसानों और अनुसूचित जाति के किसानों के समान ही अनुदान का प्रावधान किया गया है। किसानों के फसल उत्पादों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए राज्य में बाजार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों में बाजार केंद्र आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। 21 बाजार प्रांगणों में निर्धार के लिए 1,82,000 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। राज्य सरकार के प्रयासों से बिहार के कृषि धरोहरों कटंडी चावल जयदाद आम साहिब लीची मघे पाक मिथिला मखाना तथा चंपारण के बचा धामपुर जिले का टैग मिला है। इन विशिष्ट राज्य में बड़े पैमाने पर सहन तथा मशरूम का उत्पादन हो रहा है। इन उत्पादों का बेहतर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है, ताकि इसके माध्यम से राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके।
राज्य में किसी आधार पर बुजुर्गों की स्थापना की अलग से विभाग में किसी विदेश प्रोत्साहन छुट्टी बनाई गई जिसमें उद्योग स्थापित करने वाले निवेशकों को 25% तक अटल सब्सिडी देने का प्रावधान है। वर्तमान खरीफ मौसम में वर्षा की कमी के कारण फसलों की सिंचाई के लिए 75 रूपये डीजल प्रति लीटर का भी अनुदान दिया जा रहा है जिसके लिए 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। इसी तरह से केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है। सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता और सुविधाओं में हुए विस्तार का परिणाम है। इंजीनियर और स्वास्थ्य कार्य में यहां प्रतिमा मात्र महोत्सव 4548 मरीज पीएससी आयोग संख्या बढ़ी वर्तमान में औसत 12,000 हो गई। नवजात शिशु मृत्यु दर एसआरएस 2008 के अनुसार 32 था जो घटके 2020 के अनुसार 21 हो गया है जो राष्ट्रीय औसत के बराबर है। एमएमआर मातृ मृत्यु दर वर्ष 2005 के अनुसार 312 था जो घटके अब 118% हो गया है। आने वाले नवजात मृत्यु दर 61 से घटकर 27 हो गया है जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है। ये मानक बताते हैं कि किस प्रकार से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सुधार की वजह से मृत्यु दर में अभी और गिरावट देखने को अगले 2-3 महीने में सब लोगों को मिलेगा। बिहार सरकार के प्रयास से उपरोक्त एवं अन्य स्वास्थ्य सूचकांक और भी बेहतर हो गए हैं। अभी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि थैलेसीमिया के मरीजों का राज्य सरकार के सहयोग से सीएमसी फैलो के 15 लाख की लागत से प्रति मरीज का पूर्ण बैरो ट्रांसप्लांट मुफ्त में कराया जाएगा और उसके माता पिता के साथ से मुफ्त में भेजने की सुविधा बिहार सरकार की ओर से दी जाएगी। बाल विकल योजना अंतर्गत 1/4/21 से 31/7/24 तक 1457 बच्चों का इलाज कराया गया है जबकि हृदय में 6 करोड़ जीवन देने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने जारी किया है। ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डीएमडी एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण बिहार में जो बच्चे इस बीमारी से ग्रस्त थे वो काफी परेशान थे और ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कम पाई जाती है और इसका इलाज और उपचार अभी तक दुनिया में नहीं हुआ है। बिहार देश के गिने हुए 3-4 राज्यों में से है और पहली बार बिहार राज्य ने यह निर्णय किया कि ऐसी बीमारी से ग्रसित मरीजों की चिकित्सा की देखरेख हेतु 6 लाख रूपया एकमुश्त उसके परिवार को बिहार सरकार को दिया जाएगा। यह मैंने स्वास्थ्य मंत्री के सचिव में निर्णय किया था माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिसका लाभ अगर 272 बच्चों को मिला। पीएमसीएच पटना को विश्व स्तरीय अस्पताल के रूप में उन्नयन के उद्देश्य से 5462 बेड की पुनर्विकास है। 5,540.07 करोड़ रूपये की लागत पर निर्माण कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है। प्रथम चरण में सीयूबी बिल्डिंग छात्रावास एवं मल्टी लेवल कार पार्किंग का कार्य सम्पन्न हो चुका है। प्रथम चरण में अस्पताल भवन का निर्माण कार्य जनवरी 2025 तक पूर्ण कर कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में क्षेत्रीय चक्षु संस्थान बनाने का तैयार है। अगले 30 किलोमीटर इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा और ये पूरा पूर्वी भारत जो है पूर्वी भारत का ये सबसे बड़ा सरकारी संस्थान होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के परिसर में भी 248 बेड के निर्माण का कार्य की स्वीकृति दे दी गई है। दरभंगा में एम्स की स्थापना हम सब लोगों की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी और सब मिथिलांचलवासियों और दरभंगा वासियों की महत्वाकांक्षी योजना है और इसकी स्थापना में विकास हेतु बहादुरपुर अंचल अंतर्गत देख की और दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में प्रमंडल के आयुक्त मनीष कुमार के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस अवसर पर मिथिला क्षेत्र के आईजी बाबू राम, दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन, एसएसपी जगुनाथ रेड्डी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जब जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अब
जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो मिथिला क्षेत्र दरभंगा आईजी कार्यालय में पुलिस उप महानिरीक्षक बाबू राम के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस अवसर पर दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी सहित अन्य पुलिसकर्मी भी रहे मौजूद। सभी जिला वासियों को मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी से अपील है कि राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर भाग लें, अपने कर्तव्यों को हमेशा याद रखें एक नागरिक के रूप में, ताकि एक स्वस्थ, एक शक्तिशाली, एक गौरवपूर्ण राष्ट्र का निर्माण हो सके। दरभंगा समाहरणालय में राजीव रोशन जिलाधिकारी ने किया झंडोत्तोलन। इस अवसर पर दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे और राष्ट्रगान में भी इन लोगों ने भाग लिया। कोई गुर था कोई मदरासी, कोई गुर था कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को और दरभंगा जिला वासियों को विशेषकर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सब लोग देश के विकास में अपना योगदान दें, अमन, भाईचारा, शांति का संदेश भारत से दुनिया को प्राप्त हो। इस अवसर पर मैं ये सभी जिला वासियों को संदेश देना चाहूँगा। हम आपको दिखा रहे हैं एसएसपी कार्यालय में झंडोत्तोलन, जहां एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के द्वारा झंडोत्तोलन कार्यक्रम में झंडा फहराया गया। यहां जिलाधिकारी राजीव रोशन भी मौजूद थे। में स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से समस्त मिथिलावासी, बिहारवासी, देशवासियों, यहाँ के सभी स्कूली बच्चों, सभी गुरुजन, प्रशासन के सभी पदाधिकारियों, मीडिया के बंधुओं, साथ में हमारे देश के उन जंजवाद वीरों ने जिनके बदौलत आज हम यहाँ सुरक्षित हैं, मेरा देश के हर नागरिक सुरक्षित है,
वो जंजबाज वो भी अपने जान की कुर्बानी के प्रवाह किए बिना हमारे इस देश के बॉर्डर पर रात दिन हमारी रक्षा में खड़े हैं। मैं बधाई देता हूं, साथ में यहाँ के जो स्कूली बच्चों उनसे मैं एक निवेदन एक आग्रह कि हमारे देश के आज़ादी में बहुत महापुरुष बहुत वीरों ने बहुत सपूतों ने अपनी जान कुर्बानी देकर करके देश को आज़ादी दिलाई। उस आज़ादी का पूरी जवाब जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पर है, उन बच्चों के कंधों पर है। इस भारत माँ के लिए इस मिट्टी की रक्षा के लिए जहाँ जिस पोस्ट पर हो जिस पद पर हो वो ईमानदारी से सच्चा ईमान से अपने देश के लिए कार्य करते रहें, यही उनकी सोच होनी चाहिए, यही उनकी अंदर आत्मा से आवाज़ आनी चाहिए, मेहनत करना चाहिए। मैं पुनः सभी को अपने स्कूल परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामना बधाई देता हूँ। धन्यवाद। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान परिवार की ओर से सभी अभिभावकों को मीडिया बंधुओं को एवं सभी नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में संपूर्ण राष्ट्र में सभी शिक्षण गैर शिक्षण संस्थानों में सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों में खूब जोश से तिरंगा लहराया जाता है एवं विभिन्न संस्थानों में विभिन्न बहुत प्रकार की प्रतियोगिताएं बच्चों के लिए आयोजित की जाती है, जैसे फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता। इसका उद्देश्य यही होता है कि इन प्रतियोगिताओं के थ्रू के जरिए स्वाधीनता संग्राम पर प्रकाश डाला जाता है ताकि हमारे बच्चे जान सके कि कितने कठिन परिश्रम के बाद कितने कुर्बान और बलिदान के बाद हमारा देश आजाद हो पाया है। इस अवसर पर हम स्वाधीनता संग्राम में शहीद हुए सभी भारत के लाखों सपूतों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं एवं सेना पर सीमा पर तैनात फौजी भाइयों को हम सैल्यूट करते हैं और वो जो अपने घर परिवार से दूर विषम परिस्थितियों में कठिन ड्यूटी निभाते हुए देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं हम अपना आभार प्रकट करते हैं। इस अवसर पर मैं बच्चों से विद्यार्थियों से नौजवानों से ये आह्वान करना चाहूंगी कि वे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, स्वस्थ जीवन जिए एवं कर्तव्यनिष्ठ बने, तभी वे देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकेंगे। जय हिंद, जय भारत। 78वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने समस्त ग्राम पंचायत राजरानीपुर की जनतागण एवं सभी मीडिया कर्मीगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी कर्मीगण को, सभी जनप्रतिनिधिगण को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि जो हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ था उसे अभी तक एकदम स्वतंत्र है और हमेशा स्वतंत्र रहेगा। इसके लिए सब भी देशवासी से अपील करता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपना योगदान दे, झंडा तोलन में सहयोग करे और आशा भी करता हूँ कि सभी देशवासी को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में ललित विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
आज हम लोग 78th स्वतंत्रता दिवस आजाद भारत का मना रहे हैं। इस उत्सव को मनाने के लिए उपस्थित हमारे सभी शिक्षकगण, डीन, विश्वविद्यालय के पदाधिकारीगण, सामने में एनसीसी, एनएसएस एवं अन्य छात्रगण तथा मीडिया बंधुओं, 15 अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ और आजादी के उस दिन को हम याद करें और आज हम याद करें तो इस 78 साल में हमने सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी पादानों को ऊपर करते हुए लक्ष्य 2047 को प्राप्त करने का रखा है, एक विकसित भारत बनाने के लिए। भारत जब आजाद हुआ था उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के सामने में एक लिमिटेड रिसोर्स में एक बड़े देश को संभालना था। उन्होंने पंचवर्षीय परियोजनाओं के तहत भारत को उस मुकाम पर पहुंचाया जिसको आने वाले प्रधानमंत्रियों ने उत्तरोत्तर आगे बढ़ाया और अब हम उस लक्ष्य की ओर बढ़े हैं कि हम 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में अपने आप को विकसित कर सकें। अब सवाल है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या आमूल परिवर्तन हुआ, इसकी चर्चा न करें तो ये बेईमानी होगी। सन 47 से अभी तक कई जगह, कई प्रोग्राम, कई योजनाओं के तहत हमने अपनी शिक्षाओं को उत्तरोत्तर विद्यार्थियों को नई शिक्षा देने का काम किया और हाल में ही NEP 2020 जो 34 वर्षों के बाद फिर से लागू हुआ है जिसमें कई आमूल परिवर्तन किए गए हैं जिसके तहत आपकी यूनिवर्सिटी को भी मैथिली भाषा में पढ़ने पढ़ाने, चाहे वो तकनीकी शिक्षा का हो चाहे किसी अन्य शिक्षा का हो, का नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ये NEP 2020 की खूबी है कि आप किसी भी क्षेत्र के हो, आप अपने रीजनल भाषा के टर्म में, बोली में, लिखने में, पढ़ने में आप आसानी महसूस करते हैं तो NEP 2020 के माध्यम से इसका प्रचार और प्रसार हो रहा है। 24 जनवरी सन 24 में ही मैंने आपके विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर अपना योगदान दिया है। मैंने प्रयास किया है कि डिफरेंट समस्याएं जो बहु वर्षों से आपके पास है वो धीरे धीरे दूर हो और सर्वोत्तम यही है कि पठन पाठन, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में आमूल परिवर्तन आए और वो परिवर्तन केवल प्रशासक के दृष्टि से आना संभव नहीं है। आपको अपनी जिम्मेवारी, खास तौर पर मैं शिक्षक गण से ये आग्रह करूंगा, आप चाहे आपके में अटेंडेंस कम हो, ज़्यादा हो या एवरेज हो, आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, स्टूडेंट्स आपके कैंपस में आएंगे, आपसे शिक्षा ग्रहण करेंगे, ऐसा माहौल उत्तरोत्तर बनाएं। अल्टीमेटली एम हमारा यही है कि हम अपने विद्यार्थियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और वो अपने लक्ष्य, वो अपने भविष्य को बनाए और इसमें हम उनका सहयोग प्राप्त करें। यह दृश्य कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का है जहां कुलपति लक्ष्मी निवास पांडे द्वारा किया गया झंडोत्तोलन। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला।
दरभंगा नगर निगम में महापौर अंजुम आरा ने किया झंडोत्तोलन। इस मौके पर उप महापौर नाजिया हसन सहित दर्जन भर से ऊपर पार्षदगण मौजूद रहे। नगर आयुक्त कुमार गौरव भी इस अवसर पर उपस्थित थे। महान लोकतंत्र के नागरिक होने का उत्सव मनाते हैं। हम में से हर एक की अपनी पहचान है। जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के अलावा हमारी कार क्षेत्र में जुड़ी पहचान भी होती है, लेकिन इन सबसे ऊपर हमारी सबकी एक पहचान, एक समान है, और वह है भारतीय नागरिक होना। आज आज़ादी के 77 वर्ष के में हमारे देश ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। शिक्षा, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, खेल, सैन्य शक्ति, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, उत्पादन, हर मोर्चा पर हमारा देश अपना लोहा मनवा चुका है। आज के दिन हमें अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करने एवं उनके सपनों को पूरा करने की प्रेरणा मिलती है। आज के इस पावन अवसर पर मैं निगम के द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करना चाहूंगी। सफाई व्यवस्था, शहर वासियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी वार्डों में डोर टू डोर कचरे का उठाव किया जा रहा है। साथ ही कचरे का प्रसंस्करण कंपोस्ट खाद तैयार कर किया जा रहा है। जिला निबंधन कार्यालय का यह हम दृश्य दिखा रहे हैं, जहां झंडोत्तोलन किया गया। झंडोत्तोलन कार्यक्रम कई थाना पर भी किया गया, कई निजी संस्थानों में भी झंडोत्तोलन कार्यक्रम पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। ये वो चोला है के जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है के जिस पे रंग चढ़े ना दूजा। हमने तो बचपन से सभी नगर थाना के सम्मानित सदस्य सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना, शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाए। और कई जगह झंडोत्तोलन के दृश्य को हम आपको दिखा रहे हैं, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन और झंडोत्तोलन किया गया। की थी इस चोले की पूजा, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हो आज रंग दे माय रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माय रंग दे बसंती चोला।
रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए मेरा रंग दे बसंती चोला। वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको, आज वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया